हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशंस, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित करें। ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों के लिए हेडेक बना हुआ रहता है कि सर किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तुक्का मार रहे हैं, वन लिखे, टू लिखे, चेक किए, हुआ, अरे नहीं हुआ, फिर उसको मिटाए, टू को वन किए, वन को टू किए, हिट एंड ट्रायल किए जा रहे हैं। भाई साहब को एक केमिकल इक्वेशन दिया गया, भाई साहब आधे घंटे से तुक्का मार रहे हैं, बैलेंस हो नहीं रहा है, जाके कहीं ना कहीं अटक जा रहा है। हिट एंड ट्रायल में यही तो होता है, कहीं वन लिखे, कहीं टू लिखे, फिर उसको ट्राई किए, बैलेंस हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, कोई मिला कोई नहीं मिला, बाद में जाके मामला फंस गया, अटक गया, वहाँ पे जाके हमारा लौटा नहीं है, वहाँ पे तुक्का मार रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो सर कोई ऐसा जुगाड़ बताइए, सर कोई ऐसा फॉर्मूला या फिर कोई ऐसा ट्रिक बताइए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बिना हिट एंड ट्रायल मेथड के हेडक के हम उसको बैलेंस कर सके। वही लेके मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। वही एक हम लोग एक ऐसे फॉर्मूले को, एक ऐसे ट्रिक को हम यहाँ सीखने वाले हैं जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से बैलेंस कर सकते हैं। और आपको जान के बहुत मजा आएगा ये बात को कि ये ट्रिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है भी नहीं, ये ट्रिक हम लोग मैथ्स का ट्रिक लगाने वाले हैं। नाम उसका इंग्लिश से है, एबीसीडी मेथड। इस मेथड को हम नाम क्या देंगे, एबीसीडी मेथड। तो नाम आपको इंग्लिश में दिखेगा, क्वेश्चन हम केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे और रूल कौन सा लगाएंगे, मैथ वाला। आप सब कोई क्लास 9th से 8th से ही आप लोग सॉल्व करते आ रहे होंगे लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण। कैसे सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल होता है, दो या तीन वेरिएबल होता है, उनको इक्वल करके और उसको सॉल्व करके हम कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ लगाना है एबीसीडी मेथड में। तो हम लोग मैथ्स के ट्रिक से इस क्वेश्चन को, इस बैलेंसिंग के तरीके को हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फाइनली व्हाट इज एबीसीडी मेथड इन बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है? तो चलिए, यहां पे मैं 6 केमिकल इक्वेशन यहां पे आप लोग के लिए मैं लिखा हुआ हूं। इन सारे केमिकल इक्वेशन को मैं यहां पे खुद बैलेंस करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपको दो या तीन क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उन क्वेश्चन को, उस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके हमारे पास भेजिएगा। इसी वीडियो के नीचे आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, नीचे स्लाइड होता हुआ, वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके हमारे पास सेंड करिएगा। आई विल ट्राई टू रिव्यू, आई विल ट्राई टू गिव आंसर, या आई विल ट्राई टू गिव यू फीडबैक विद इन 24 आवर्स। क्लियर है? चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला इक्वेशन हमारा क्या है, आयरन का वाटर के साथ, Fe का H2O के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो चलिए नोट डाउन करते हैं, Fe यानी आयरन प्लस H2O यानी वाटर गिव्स आयरन का ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। क्लियर? इसको अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस का रूल हम लोग का क्या है, मैं रूल यहाँ पे लिखता हूँ, ABCD मेथड। ये हम लोग का यही रूल है, इसी रूल से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का, अच्छा ये ABCD नाम से आपको ये नहीं सोचना है कि बस ये ABCD D तक ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा चार आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो भी आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये कंपाउंड आपके पास चार कंपाउंड है, तो हम ABCD में काम चला लेंगे। अगर हमारा कंपाउंड 5 हो जाए, अगर हमारा रिएक्टेंट 2 हो, प्रोडक्ट 3 बन जाए, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि कंपाउंड 5 हो गए। तो जब कंपाउंड हमारे 5 होंगे, इसको हम ई तक बढ़ा लेंगे। अगर हमारे टोटल कंपाउंड 6 होंगे, हम इसको एफ तक बढ़ा लेंगे। तो ABCDEF ये आगे तक चलता जाएगा। नॉर्मली हम लोग को इस इक्वेशन में डी तक का काम है, हम लोग लगाते हैं। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, सबसे पहला काम कि हर एक कंपाउंड के पहले ABCD पुट कर लीजिए, ABCD। क्लियर है? पहले यहां पे हम लोग को पहले केमिकल इक्वेशन में ज्यादा एक्सप्लेन करना है, पहले केमिकल इक्वेशन में आप लोग पूरा अलर्ट होकर, पूरा का पूरा अटेंटिव होकर इसको समझिएगा। डाउट कोई भी नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो का एंड होते होते आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि एनी केमिकल इक्वेशन यू कैन सॉल्व विद इन 30 सेकेंड्स। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप 20 या 30 सेकंड के अंदर आप उसको बैलेंस कर लेंगे फटाफट। वो तरीका मैं यहाँ पे आप लोग को सिखा दूंगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग को देखते चलना है, ABCD रख लिए। अब ABCD रखने के बाद आपको देख लेना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो पहला एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, आयरन, नोट डाउन आयरन। अगला क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, इसको लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन बस H लिखना है आपको, H2 से या फिर उसके मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एलिमेंट से मतलब है। आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया।
इन तीन एलिमेंट के अलावा आपको इस पूरे इक्वेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एबीसीडी पुट करिए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस पूरे इक्वेशन में जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक बार देखना है रिएक्टेंट, एक बार देखना है प्रोडक्ट, हिंदी में एक बार देखना है हम लोग को और क्या मिल के बन रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, और एक बार देखना है उत्पाद। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पता करना है कि जिस एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं वो एलिमेंट रिएक्टेंट में कितना है और वो एलिमेंट प्रोडक्ट में कितना है, और वहीं से हम लोग क्या बना लेंगे, एक लीनियर इक्वेशन। तो बताइए फटाफट, आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिख रहा है, यहाँ आयरन वन है, उसके आगे कौन सा लेटर दिख रहा है, ए, तो ए हो गया, इज इक्वल्स टू इधर आयरन कितना है थ्री, और सामने क्या है सी, थ्री इंटू सी, थ्री सी, वाला इक्वेशन हम लोग को मिल गया। दूसरा हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन कितना है दो, दो के सामने क्या है बी, तो दो बी, टू बी इज इक्वल टू इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, यहां पर है नहीं, यहां पे हाइड्रोजन टू इंटू सामने क्या है डी, तो टू इंटू डी, टू डी, दोनों तरफ टू है, टू से टू हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, बी इज इक्वल टू डी, एक ये इक्वेशन मिला। उसके बाद यानी कि एक इक्वेशन मिल चुका, दूसरा इक्वेशन मिल चुका, तीसरे इक्वेशन में ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में कितना है वन, सामने क्या है बी, तो केवल बी इज इक्वल टू इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है फोर, और सामने क्या लिखा हुआ है सी, तो फोर इंटू सी, फोर सी, अब तो ऑक्सीजन है नहीं। ये रहा हम लोग का तीनों इक्वेशन। अब इन तीन इक्वेशन, तीन स्टेप हम लोग कर चुके, पहला हम लोग क्या किए थे ए बी सी डी, दूसरा स्टेप सारे एलिमेंट को नोट डाउन, तीसरा स्टेप हम लोग का कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना, चौथे स्टेप पे हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि इन सारे लीनियर इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है जो मैक्सिमम टाइम्स है। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, कौन कौन सा वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है और डी है, पता ये करना है कि कौन सा लेटर मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, ए कितना बार आ रहा है, यहाँ एक, बाकी कहीं है ही नहीं, तो ए सिर्फ एक बार आ रहा है, बी यहाँ है, यहाँ है, दो बार आ रहा है, सी यहाँ है, यहाँ है, सी भी दो बार आ रहा है, डी यहाँ है और कहीं नहीं, यानी कि हमारे पास ए एक बार है, डी एक बार है, तो ए डी को तो वैसे ही हटा देंगे, बी हमारे पास दो बार है और सी दो बार है, तो मैक्सिमम टाइम कौन सा है, बी और सी दोनों है, तो बी या सी इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपको वन ले लेना है, बी के या सी किसी एक का वैल्यू आपको वन सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, आपकी मर्जी, आपके ऊपर है, जिसको मर्जी आप वन ले लेंगे, मैं यहाँ पे सी को ले रहा हूँ, तो लेट सी इज इक्वल्स टू वन, जैसे ही हम C का वैल्यू 1 लिए और C का वैल्यू अपपुट कर दीजिए यहाँ पे, तो C का वैल्यू हम अगर हम वहाँ यहाँ 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, A का वैल्यू क्या मिल गया 3, तो A और C का वैल्यू हम लोग को मिल चुका। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A और C हम लोग को मिल चुका है, आ जाइए सबसे लास्ट वाली इक्वेशन पे, C का वैल्यू आपको क्या रख देना है 1, जैसे ही C का वैल्यू आप 1 रखेंगे, 4 1 जा 4, तो B का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा 4, B भी हम लोग को मिल चुका। उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा अगला, A मिल चुका, C और B, आपको क्या करना है ये B का वैल्यू उठा कर रख देना है इस इक्वेशन में, तो B का वैल्यू क्या है 4, B के जगह पे जैसे ही हम 4 भरेंगे D का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 4, D इज इक्वल्स टू 4। ये रहा हम लोग का चारों वैल्यू। अब जैसे ही चारों वैल्यू मिला, अब आपका काम कंप्लीट, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी यहाँ पे हम लोग को लीनियर इक्वेशन मिल रहा है उन सारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके और जो भी वेरिएबल हम लिए थे ए बी सी डी उन सारे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। और जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट हुआ, आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लेटर लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पर उन सारे लेटर का वैल्यू रख लेना है। यहाँ पे ए था तो ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 3, यहाँ आ गया 3। उसके बाद बी, बी का वैल्यू 4, यहाँ ले लेते हैं 4। उसके बाद सी, सी के जगह पे क्या है 1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद डी, डी के जगह पे 4, तो यहाँ पे 4, ध्यान रखिएगा 1 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों लिखें, फालतू में क्या हो सकता है, पेन का इंक बर्बाद करने का, झूठ मूठ में, मतलब कहने का सिंपल मतलब, अगर यहाँ नहीं है तो भी, तो हम ये मॉलिक्यूल 1 टाइम्स है रहेगा तो भी 1 टाइम्स है, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, बाकी 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आएगा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये रहा हम लोग का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर, तो आई होप आप लोग को तरीका पता चल गया होगा। एक बार मैं और तरीका रिवाइज करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन दिया है उन सारे केमिकल इक्वेशन में ए बी सी डी ई जहाँ तक कंपाउंड है वहाँ तक ए बी सी डी पुट अप करेंगे। वो करने के बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे उस केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, उन सारे एलिमेंट को आप नोट डाउन करेंगे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये स्टेप करने के बाद आप क्या करेंगे कि
इन तीनों के हिसाब से और जो एबीसीडी आप लिखे हैं उस एबीसीडी के मदद से आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका कि जिस एलिमेंट का बात हो रहा है वो एलिमेंट रिएक्टेंट में कितना है और वही एलिमेंट प्रोडक्ट में कितना है, तो रिएक्टेंट में जितना है और प्रोडक्ट में जितना है इन दोनों को इक्वल करेंगे, हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। इस तरीके से हर एक वेरिएबल का, हर एक एबीसीडी में के वैल्यू का आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा। और आखिरी स्टेप में आपको क्या कर लेना है, चौथे स्टेप में, कि इन तीनों या चारों जितने इक्वेशन मिलेंगे सबको सॉल्व करके एबीसीडी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। और सबसे लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, उसमें हम क्या करेंगे कि एबीसीडी का जो भी वैल्यू मिला है मेन इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए के जगह पे ए का वैल्यू, बी के जगह पे बी का वैल्यू, सी के जगह पे सी का वैल्यू, सिमिलरली डी ई एफ जितने होंगे सारे वैल्यू हम लोग वहां पुट कर लेंगे। उस तरीके से हम लोग का फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। तो हेंस दिस विल बी आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हम लोग का कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना सेकंड केमिकल इक्वेशन, अमोनिया का क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, नाइट्रोजन N2 और NH4Cl बनने वाला है। चलिए तो इसको नोट पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का केमिकल इक्वेशन है वो है अमोनिया NH3 प्लस Cl2 क्लोरीन गिव्स क्या दे रहा है हम लोग को, N2 नाइट्रोजन और लास्ट में NH4Cl। अब वही स्टेप फटाफट करते चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, ABCD रख देना है, रख लीजिए ABCD। क्लियर? इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन इस केमिकल इक्वेशन में जो भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद है उन सारे एलिमेंट को नोट डाउन कर लेना है। कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, नाइट्रोजन है तो पहला नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन है, थोड़ा सा नीचे नोट करते हैं, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, और आई थिंक इसके बाद तो कोई एलिमेंट हमारे पास है नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, इस ए बी सी डी की मदद से हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लीनियर इक्वेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको रैखिक समीकरण। अगर कोई बच्चा इसे हिंदी मीडियम का बच्चा अगर कोई देख रहा है तो बाबू आपके लिए मैं पहले बता दूं, लीनियर इक्वेशन में जब भी बोलूंगा आप रैखिक समीकरण मान के चलेंगे, केमिकल इक्वेशन जब भी बोलूंगा आप रासायनिक समीकरण मान के चलेंगे। क्लियर है? चलिए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन, अब आपको यहां से क्या बनाना है, केमिकल और लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, पता करिए कि रिएक्टेंट में यानी कि इस एरो के लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन यहां कितना दिख रहा है, 1, और 1 के सामने क्या है, ए, तो केवल ए इज इक्वल्स टू। इधर नाइट्रोजन कितना है, यहां रहा 2, 2 के सामने क्या है, सी, तो 2C। और सिर्फ यही नहीं है, राइट हैंड साइड हम यहां भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देखेंगे, राइट हैंड साइड में के दाहिने तरफ ये पूरा प्रोडक्ट होता है, तो पूरे प्रोडक्ट में जितने नाइट्रोजन होंगे सबको ले लेंगे। तो यहाँ 2C, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, 1 के सामने क्या है, D, तो D बन जा D, तो हम लोग को क्या मिला, 2C + D, एक इक्वेशन हम लोग का फॉर्म हो गया। हाइड्रोजन पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 3A, तो 3A इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4D, ये हो गया 4D। क्लियर? अगला हम लोग का है क्लोरीन, तो रिएक्टेंट में कितना है, 2B, विच विल बी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में कितना है क्लोरीन, 1D, तो केवल D। क्लियर? यहां हम लोग का 3 स्टेप हो गया। सॉरी, चौथे स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि देखना ये है कि इन सारे लीनियर इक्वेशंस में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो आपको मैक्सिमम टाइम्स दिख रहा है। ए हमारे पास 1, 2, ए हमारे पास एक बार है, बी हमारे पास कितना है, सिर्फ एक बार, तो बी तो वैसे ही खत्म हो गया, बी हम लोग को कोई मतलब है नहीं, सी हमारे पास कितना है, सी भी सिर्फ एक ही बार है, डी हमारे पास कितना है, 1, 2 और 3, यानी कि डी हम लोग को हर एक लीनियर इक्वेशन में दिख रहा है, तो आप क्या करिए, डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस लगाना है, थोड़ा सा आप लोग को अपना दिमाग लगाना है कि किसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें कि हमें ज़्यादा फायदा हो। अगर आप ए का वैल्यू पुट भी कर लेते हैं तो ए का वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अगर आप ए का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो सी डी आपको दोनों चाहिए, मामला में भी फंस सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे यहाँ पे हम ऐसे वेरिएबल को पिकअप करेंगे जो मैक्सिमम टाइम्स हो, कि अगर डी का वैल्यू हम यहाँ रखें इसको भी सॉल्व करने में आसानी हो जाए, डी हम यहाँ भी रख सकते हैं, डी हम यहाँ भी रख सकते हैं, तो ऐसे वहाँ से वेरिएबल को उठाना है जो आपको मैक्सिमम टाइम्स आपको दिख रहा हो। तो हम क्या करेंगे, लेट
डी इज इक्वल्स टू वन। जैसे ही डी का वैल्यू हम लोग को वन मिला, आप क्या करिए, डी का वैल्यू वन रखिए दूसरे इक्वेशन में। तो डी का वैल्यू अगर हम वन यहाँ पे रख लें तो क्या मिलेगा, थ्री ए इज इक्वल्स टू फोर वन जा फोर, तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला, फोर बाई थ्री, ए का वैल्यू भी हम लोग को मिल चुका। अगला हमारे पास क्या है, डी का वैल्यू वन रख लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो अगर डी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखें तो क्या मिलेगा, टू बी इज इक्वल्स टू डी के जगह पे वन, तो वन, उसके बाद बी इज इक्वल्स टू वन बाई टू, बी भी हम लोग को मिल चुका, ए बी और डी मिल चुका है, एक बचा हुआ है सी, यहां से निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू आपको यहीं पर रख लेना है। तो डी का वैल्यू अगर हम यहां पर रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ए ए के जगह पे फोर बाई थ्री इज इक्वल्स टू टू सी प्लस डी का वैल्यू वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा, टू सी इज इक्वल्स टू फोर बाई थ्री माइनस वन, तो टू सी इज इक्वल्स टू थ्री वन जा थ्री और फोर माइनस थ्री वन, वन बाई थ्री, देन सी इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री और टू जाके डिवाइड वन बाई सिक्स, यानी कि सी हम लोग को मिल चुका है वन बाई सिक्स। इस तरीके से हम लोग को सारा वैल्यू मिल चुका है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू। अब जैसे ही सारा वैल्यू हम लोग को मिल जाए, आखिरी स्टेप अपने पांचवें स्टेप में हम लोग को क्या कर देना है कि जो भी वैल्यू मिला है उन सारे वैल्यू को इस पर सब्स्टिट्यूट करिए। ए के जगह पे ए का वैल्यू, बी के जगह पे बी का वैल्यू, मैं रखना शुरू करता हूँ। ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कहाँ है, फोर बाई थ्री, लिख लीजिए फोर बाई थ्री। बी के जगह पे क्या है, वन बाई टू, तो बी आ जाएगा वन बाई टू। सी हमारे पास कितना है, वन बाई सिक्स, तो लिख लीजिए सी के जगह पे वन बाई सिक्स। उसके बाद से डी हमारे पास कितना है, वन, तो यहाँ पे ले लेते हैं वन। अच्छा वन लिखते नहीं हैं, लिखते हैं अभी, आवश्यकता पड़ेगी या फिर चलिए कोई बात नहीं, हटा लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको पिछले इक्वेशन में मैं बताया था कि वन लिखते नहीं है। अभी मैं यहाँ लिखूँ तो आप ये भी बोलेंगे कि सर पिछले इक्वेशन में आप नहीं लिखे थे और आप शुरू में ये बोले थे कि हम रूल ऐसा बताने वाले हैं जो हर इक्वेशन पर लगेगा, तो भैया हम अपने बात पे अड़िग हैं, वही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे वन। अब हम लोग को देखना यह है कि आप अगर ध्यान से देखें इस केमिकल इक्वेशन को, तो इस केमिकल इक्वेशन को देखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लग रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है। अब फ्रैक्शन में लिखना अच्छा दिख नहीं रहा है, अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन गलत है, इक्वेशन हम लोग का बैलेंस हो चुका है, लेकिन हमको अब अपने इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर बनाना है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। ब्यूटीफाई करने का तरीका क्या है कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि ये फ्रैक्शन यहाँ से गायब हो जाए। अब फ्रैक्शन गायब करने का जुगाड़ हम छोटे क्लास में सीखे थे मैथ्स में, कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आए और इस फ्रैक्शन को यहाँ से अगर गायब करना है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का, थ्री का, टू का और सिक्स का एलसीएम निकाल लीजिए, जितना एलसीएम आता है उससे आप क्या करिए, उतना इन सब के मतलब सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ध्यान से, अब हमारे पास क्या आया है, थ्री टू और सिक्स, थ्री टू और सिक्स को अगर हमें अगर बैलेंस करना हो, अगर इन सबको अगर फ्रैक्शन को अगर हटाना हो तो क्या करेंगे, थ्री टू और सिक्स का एलसीएम निकालेंगे। बताइए फटाफट, थ्री टू और सिक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, सिक्स होगा। आप क्या करिए, पूरे इक्वेशन में सिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई सिक्स। अब मैं सिक्स कहाँ से लाया हूँ, मैं अभी आप लोग को बताया हूँ कि फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इन सारे डिनोमिनेटर का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। उसी एलसीएम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेते हैं सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री टू जा सिक्स, टू फोर जा एट, यहाँ क्या आ जाएगा, एट एन एच थ्री प्लस, यहाँ पे अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो टू से सिक्स, थ्री टाइम्स थ्री वन जा थ्री, थ्री सी एल टू एरो। यहाँ पे अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, इंटू सिक्स, सिक्स से सिक्स खत्म, केवल नाइट्रोजन प्लस। यहाँ पे अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, कुछ है ही नहीं, अगर नहीं है तो वन है, वन में सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा, सिक्स एन एच फोर सीएल। क्लियर, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हम लोग का बैलेंस हो चुका है। अगर आपको चेक करना हो कि बैलेंस है कि नहीं है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट हैं उतने राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है, एट, इधर नाइट्रोजन टू और प्लस सिक्स, एट दिख रहा है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन थ्री, एट जा ट्वेंटी फोर, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ट्वेंटी फोर, चौबीस हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ फोर और सिक्स, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, इधर भी चौबीस, इधर भी चौबीस, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, तो नाइट्रोजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। लास्ट हम लोग का क्लोरीन बचा हुआ है, क्लोरीन इधर कितना दिख रहा है, थ्री टू जा सिक्स, क्लोरीन हम लोग का सिक्स है। इधर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के सामने सिक्स, ये भी सिक्स है, क्लोरीन भी हम लोग का बैलेंस हो चुका।
इस तरीके से हम लोग का पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। चलिए ये रहा हम लोग का इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थर्ड पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का केमिकल इक्वेशन है वो है C4H10। इसका IUPAC नाम क्या होता है? C4H10 ब्यूटेन, क्लियर। तो ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, क्लियर। अब इसका क्या करना है? बैलेंसिंग। फिर सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है? ABCD रखते हैं। तो ABCD फिर हम लोग को क्या करना है इसमें? फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस से पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कौन कौन से इसमें एलिमेंट मौजूद हैं। तो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा आपको कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका, जो भी एलिमेंट है रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। तो कार्बन रिएक्टेंट में कितना दिख रहा है? कार्बन 4, साइड में क्या है? ए। तो 4A इज इक्वल्स टू, इधर कितना कार्बन दिख रहा है? कार्बन 1, सामने क्या है? C। तो केवल C। तो 4A इज इक्वल्स टू C, एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना है? हाइड्रोजन 10, सामने है A। तो 10A इज इक्वल्स टू, इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2 और D, 2D। ऑक्सीजन पे आते हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? यहाँ तो है नहीं, यहाँ 2B, तो 2B इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन, यहाँ कितना है? 2C, यहाँ भी है बिल्कुल, कितना है ऑक्सीजन के आगे? 1, सामने क्या है? डी बन जाए डी, तो 2C प्लस डी। ये रहा हम लोग का लीनियर इक्वेशन। अब हमको क्या करना है? इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ABCD का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। अब ABCD का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर वही देखेंगे कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो मैक्सिमम टाइम्स दिख रहा है। ए हमारे पास कितना बार है? ABCD, ए हमारे पास कितना बार है? 1, 2 टाइम्स, बहुत बढ़िया। बी हमारे पास कितना बार है? बी यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ एक बार है केवल, तो एक बार है, ये तो वैसे ही कम खत्म हो गया। सी हमारे पास कितना बार है? 1, और यहाँ भी 1, 2, तो सी हमारे पास 2 टाइम्स है। डी हमारे पास कितना बार है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, डी भी हमारे पास 2 बार है। यानी कि मैक्सिमम टाइम्स में क्या है? ए है, सी है और डी है। आप इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू, जिसको आपकी मर्जी, आप क्या करेंगे उसका वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ए का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि देखना था कि कौन सा वेरिएबल मैक्सिमम टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे? ए का वैल्यू 1 ले लेंगे। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 1, ए का वैल्यू हमें 1 मिला। जैसे ही ए का वैल्यू 1 मिलेगा, हम क्या करेंगे? 1 का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 4 में ए का मल्टीप्लाई 4, 1 जा 4 इज इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू हमें क्या मिला? 4 मिला। अगले पे आते हैं, ए मिल गया, सी मिल गया, अब क्या करिए? यही ए का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे ही ए का वैल्यू 1 रखेंगे, 10 इज इक्वल टू 2D, हमें डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 10/2, 5 टाइम्स, डी का वैल्यू 5, हमें डी मिल गया। तो ए, सी और डी, हमें चाहिए लास्ट बी, तो बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी और डी, ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो 2B इज इक्वल्स टू 2 × सी के जगह पे 4 प्लस डी के जगह पे 5, क्लियर। अब देख लेते हैं क्या आता है। 2B इज इक्वल्स टू 2, 4 जा 8, 8 और 5 13, बी इज इक्वल्स टू 13/2, ये रहा हम लोग का बी का वैल्यू। और जैसे ही हमें ए, बी, सी और डी का वैल्यू मिलता है, हमारा अगला स्टेप क्या आ जाता है कि सब्सिट्यूट ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन द केमिकल इक्वेशन। तो ए, बी, सी, डी सबका वैल्यू हम वहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेंगे। तो कर लेते हैं, ए के जगह पे क्या आ जाएगा? 1, बी के जगह पे 13/2, 13/2। अब किसी को ये तो डाउट, दिक्कत नहीं है ना कि आप यहाँ 1 क्यों लिखे हैं? मामला तो सारा समझ में आ गया है। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बिना किसी टेंशन का। बी हो चुका सी, सी के जगह पे हमें क्या चाहिए? 4, ले लेते हैं 4। फिर डी के जगह पे 5, डी के जगह पे 5। हम लोग का केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका, बिल्कुल हो चुका, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम यहाँ भी है।
हमें फ्रैक्शन में दिख रहा है, हमें फ्रैक्शन चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि हम लोग का इक्वेशन गलत है, इक्वेशन हम लोग का सही हो चुका है, इक्वेशन हम लोग का ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है, लेकिन हमें इस हिसाब से लिखना है कि इक्वेशन थोड़ा सा सही दिखे, ये फ्रैक्शन ना दिखे। तो हम जब भी, मैं एक बार आखिरी बार बता रहा हूँ, जब भी आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते समय जब भी आप ABCD मेथड लगाएंगे, आपको हो सकता है कि बैलेंसिंग बैलेंस करते समय आखिरी में आपको फ्रैक्शन वाले नंबर मिले। हो सकता है एक जगह मिले, हो सकता है हर जगह मिले, हो सकता है दो तीन जगह मिल जाए। जब भी आपको केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करते समय फ्रैक्शन मिल रहा है, आप क्या करेंगे? उस फ्रैक्शन को वहां से हटाएंगे। फ्रैक्शन हटाने का मतलब कि नीचे का डिनोमिनेटर कैसे भी गायब हो जाए। डिनोमिनेटर गायब करने का तरीका भी, इसके पहले वाले में बताया था कि जितने जगह फ्रैक्शन है सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, जितना एलसीएम आ रहा है उससे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे एक ही जगह है, एलसीएम निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब जहाँ है वहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 2। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2 में 1 से 2C4H10 प्लस, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन गिव्स क्या देगा? 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा 10 वाटर H2O। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हम लोग का बैलेंस हो चुका है, यही हम लोग का फाइनल केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? चलिए, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने इक्वेशन नंबर 4th पे। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोग का केमिकल इक्वेशन है वो है इक्वेशन नंबर 4th Fe2O3। इक्वेशन नंबर 4th Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al गिव्स Fe प्लस Al2O3। ये रहा हम लोग का केमिकल। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को यहाँ देखते जाएंगे, जैसे जैसे केमिकल इक्वेशन को आप देखते जाएंगे, आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चन है। लास्ट के इन दोनों क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। हाई लेवल का होने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकता है आप लोगों से, क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन ABCD मेथड लगाने में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, कुछ एक जगह क्वेश्चन सॉल्व करने में फंसेगा, जहाँ पे आपको दो वेरिएबल को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे उसको बिना किसी टेंशन का, लेकिन इस यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे गए, जो भी यहाँ केमिकल इक्वेशन लिखा गया है, वो सारे केमिकल इक्वेशन एक सीक्वेंस में लिखा गया है। शुरुआती क्वेश्चन आपको आसान दिखेंगे, जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको एक एक स्टेप सीढ़ी पे एक एक स्टेप आपको चढ़ते जाना है। अच्छी भी बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े एक एक स्टेप चढ़ते चले। तो जैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उनको आप लोग बैलेंस करें। यहाँ पे मैं हेल्प कर रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा वो कुछ ना कुछ इसी बेस पे रहेगा, वैसे ही आपको सॉल्व भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे? पहला स्टेप ABCD लिखते हैं, ABCD हो चुका है। ABCD जैसे ही हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। FeOAl आयरन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम, तो आयरन ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम हो गया लीनियर इक्वेशन। आयरन रिएक्टेंट में 2A इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में आयरन 1C, तो केवल C। क्लियर? ऑक्सीजन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के आगे क्या है? 3। सामने क्या है? A, 3A इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे 3, सामने D, तो 3D। 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू D। अगला हम लोग के पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में क्या है? 1, सामने है B, तो केवल B इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है? 2 इंटू डी। ये रहा हमारे पास तीनों लीनियर इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे? फिर वही काम, पता करिए कौन सा वेरिएबल मैक्सिमम टाइम्स है। A 1, 2 टाइम्स, B सिर्फ एक बार, तो B तो वैसे ही खत्म, C भी एक बार, ये भी खत्म, D दो बार। आप क्या करिए, A या D इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप रख लीजिए, या तो D का ले लीजिए या तो एक। चलिए D का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। D का वैल्यू अगर हम पुट करें, लेट D इज इक्वल टू 1। जैसे D का वैल्यू हम 1 लेंगे, ये D का वैल्यू 1 आप सब्सिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे D का वैल्यू आप 1 रखेंगे, A का वैल्यू भी आप लोग को 1 मिल जाएगा। क्लियर?
अब जैसे ही ए का वैल्यू वन मिला, अब ए का वैल्यू वन रख लीजिए यहाँ पे, तो ए का वैल्यू अगर हम यहाँ वन रखेंगे तो टू इन टू वन, टू इज इक्व टू सी, तो सी का वैल्यू क्या मिला, टू, हम लोग को सी टू मिल गया। अब हम लोग को ए सी और डी मिल चुका है, बी हम लोग को चाहिए, तो क्या करिए डी का वैल्यू आप उठा कर रख लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो डी का वैल्यू मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, डी का वैल्यू हम वन रखेंगे तो बी इज इक्वल्स टू टू इन टू वन, टू वन जा टू, तो बी का वैल्यू टू। तो हम लोग को अब क्या हुआ, ए बी सी और डी सारे के सारे वेरिएबल का वैल्यू मिल चुका। अब क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल के वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस पर सब्सिट्यूट कर दीजिए। करते हैं, ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वन, कुछ नहीं, बी का वैल्यू टू, तो बी के जगह पे टू, सी के जगह पे टू, ये रहा टू, उसके बाद से डी के जगह पे वन, तो कुछ नहीं रहेगा। क्लियर, ये रहा हम लोग का बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, हम लोग का इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अगर आपको चेक करना है ये बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आयरन लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना दिख रहा है, टू, इधर आयरन टू, आयरन बैलेंस्ड, बहुत बढ़िया, आयरन हम लोग का बैलेंस हो चुका। उसके बाद ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना दिख रहा है, केवल थ्री, इधर कितना दिख रहा है, थ्री, ऑक्सीजन भी बैलेंस। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितना है, टू, इधर एल्यूमिनियम कितना है, टू, एल्यूमिनियम हम लोग का बैलेंस। इस तरीके से हम लोग का ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। क्लियर, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर अदरवाइज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग का केमिकल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फाइव, वो है सी यू ओ कापर का ऑक्साइड प्लस एन एच थ्री अमोनिया प्लस गिव्स कॉपर सी यू प्लस नाइट्रोजन एन टू प्लस वाटर एच टू ओ। क्लियर, स्टार्ट करते हैं इसको भी बैलेंस करना। क्या स्टेप हम लोग का है, पहला स्टेप ए बी सी डी, ए बी सी डी आ गया, आ गया एक स्टेप आगे वाला, क्या करेंगे हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ये मैं स्टार्ट में आप लोगों से बोला था, जितना कंपाउंड होगा हम ये नहीं सोचेंगे कि बस डी तक है तो हमारा रूल बस डी तक काम करेगा, डी ई एफ जी जहां तक आवश्यकता होगा हम वहां तक इसको बढ़ा लेंगे। तो ए बी सी डी ई हम लोग का हो चुका। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हम लोग को ये पता करना कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, कॉपर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, चार एलिमेंट हैं। जैसे ही चार एलिमेंट मिला आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पता करिए कॉपर रिएक्टेंट में कितना है, तो कॉपर कितना है, वन ए, तो केवल ए इज इक्वल्स टू, इधर कॉपर केवल सी, तो ए इज इक्वल्स टू सी। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है, वन ए, तो केवल ए इज इक्वल्स टू, इधर ऑक्सीजन कितना है, वन ई, तो केवल ई, ये हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन कितना है, बी, तो बी इज इक्वल्स टू, इधर नाइट्रोजन कितना है, टू इन टू डी, टू डी। अगला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, हाइड्रोजन कितना है, थ्री, सामने क्या है, बी, तो थ्री बी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है, हाइड्रोजन कितना है, टू, सामने क्या दिख रहा है, ई, तो टू ई। ये हो गया हम लोग का सारे के सारे एलिमेंट, और हम लोग के पास कितना रिएक्शन, कितना हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन आया, चार। अब इन्हीं चारों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखना है कौन सा वेरिएबल मैक्सिमम टाइम्स है, ए ए दो बार, बी बी ये भी दो बार, सी एक, एक ही बार, सी तो वैसे ही खत्म, डी हमारे पास बस एक बार, ये भी खत्म, ई हमारे पास दो। आप क्या करिए, ए ई या फिर बी, ए ई बी, इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू, जिसका मर्जी उसका वैल्यू आप पुट कर लीजिए वन। तो किसको, ए का ही स्टार्ट करते हैं, ए से ही रख लेते हैं, तो लेट ए इज इक्वल्स टू वन। अब मैं यहां ए का वैल्यू वन रख रहा हूं, आप क्या करेंगे जैसे ये वीडियो खत्म होगा इन इस क्वेश्चन को, या फिर जिसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, मैं यहां बोल रहा हूं कि आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू वन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा, बैलेंस हो जाएगा आराम से। नहीं होता है, आई एम हियर, मैं यहां हूं, आप हमसे कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी गारंटी है कि अगर आप रूल सही से समझ जाते हैं, अगर आप रूल सही से अप्लाई कर पाते हैं, तो चाहे वैल्यू आप वन का सब्सिट्यूट करिए, चाहे वैल्यू आप बी का, सी का, ए बी सी, किसी का भी, हाँ ये ध्यान देना है कि वो लेटर मैक्सिमम टाइम्स होना चाहिए। यानी कि अगर ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, अगर तीनों दो दो बार है, इन तीनों में से किसी का वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे। अब डी अगर एक ही बार है तो डी का वैल्यू क्यों भैया कुल्हाड़ी पर अपना पैर जाके मारना है, हो सकता है आगे जाके कहीं ना कहीं हम फंस जाएं,
तो ऐसा गलती नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आगे जाके खुद हम उस क्वेश्चन को फंसा दें। तो हमारे पास तरीका ये है कि मैक्सिमम वो वेरिएबल जो मैक्सिमम टाइम से आता है उसी का वैल्यू हमें वन सब्स्टिट्यूट करना है। अगर दो या तीन लेटर ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम से आ रहे हैं, आप इनमें से किसी का वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप एक दो बार ट्राई करिएगा, आराम से हो जाएगा। रूल आपको सीखना है, रूल कैसे अप्लाई करना है, कैसे एक एक स्टेप, पांच स्टेप हम लोग को देखना है। इन पांचों स्टेप को आपको मेमोराइज कर लेना है, पिक्टोरियल व्यू, इसको आपको मेमोराइज, विजुअल मेमोराइज आपको कर लेना है कि जब भी केमिकल इक्वेशन है ये पांचों स्टेप आपके दिमाग में दौड़ना शुरू कर दें। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, सोचना ना पड़े कि अब हम इक्वेशन कर लिए हैं अब हम क्या करें। दिमाग आपका किसी भी टाइप वैक्यूम नहीं होना चाहिए, इसका स्टेप आपको बस मेमोराइज होना चाहिए। आपको स्टेप सीखना है, तरीका सीखना है, किस तरीके से बैलेंस हो रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो अपने आप आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ए का वैल्यू 1, जैसे ही ए का वैल्यू 1 लेंगे क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करिए। ए का वैल्यू 1 रखेंगे, सी भी हमें 1 मिल गया। क्लियर? अब सी का वैल्यू जैसे 1 मिला, अच्छा ए का वैल्यू 1 है, यही 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए का वैल्यू 1 तो ई का वैल्यू भी 1। हम लोग को ए ई सी, एक वैल्यू, ए का वैल्यू 1 रखने से हमें ए सी ई तीनों वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। जैसे ई का वैल्यू हमें 1 मिला, यहां से क्या करिए, ई का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए। ई का वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या मिलेगा, 3b इज इक्वल टू 2, ई की जगह पे 1, 2 बन जा 2। बी का वैल्यू हमें क्या मिला, 2/3, बी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2/3। जैसे बी का वैल्यू हमें 2/3 मिला, यही बी का वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो बी का वैल्यू 2/3 मिला, तो बी के जगह पे 2/3 इज इक्वल टू 2d, 2d के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, डी इज इक्वल टू 1/3, हमें डी का वैल्यू क्या मिल गया, 1/3। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी डी ई हर एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। पुट कर लीजिए, ए के जगह पे 1 चाहिए, रखना नहीं है, बी के जगह पे क्या चाहिए, 2/3, ले लेते हैं 2/3। अगला सी के जगह पे, सी हमें क्या चाहिए, 1, लेंगे नहीं, रखना ही नहीं है। डी के जगह पे क्या चाहिए, 1/3, ले लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू 1/3। उसके बाद हमें ई चाहिए, 1 चाहिए ही नहीं, लेंगे कहीं नहीं हम, ई हमें लिखना ही नहीं है। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, फिर वही टेंशन, इक्वेशन तो हम लोग का बैलेंस तो हो चुका, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होने से सिर्फ मतलब नहीं है, हमें फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, और फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 और 3 का एलसीएम 3, पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई द होल केमिकल इक्वेशन बाई 3। क्या मिलेगा हम लोगों को, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3CuO प्लस, 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल, 2NH3 गिव्स, यहाँ कॉपर, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3Cu प्लस N2, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल, N2 प्लस H2O, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3H2O, एंड दिस इज आवर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग को पूरा का पूरा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया। चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है, ये देखते हैं पहले कॉपर को, कॉपर बैलेंस है कि नहीं है। पहले कॉपर यहाँ कितना है, 3, इधर कॉपर कितना है, 3, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है, 3, इधर कितना है, 3, ये भी बैलेंस्ड, सॉरी। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 2, ये भी बैलेंस्ड। अगला हाइड्रोजन कितना है, 3, 2, 6, इधर कितना है, 3, 2, 6, ये भी बैलेंस्ड। इस तरीके से हम लोग को ये भी बैलेंस्ड हो चुका। चलिए अगला हम लोग का लास्ट बचा हुआ है इक्वेशन नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन पे। चलिए चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का लास्ट केमिकल इक्वेशन बचा हुआ है वो है इक्वेशन नंबर 6। क्या है, सल्फर एस प्लस HNO3 गिव्स, क्या देगा ये, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तरीका क्या है, ABCDE लिख लेते हैं, ABCDE और ई। एलिमेंट कौन कौन से हैं, सल्फर, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और लास्ट ऑक्सीजन। इसके बाद लीनियर इक्वेशन देखते हैं, इधर सल्फर कितना है, ए इज इक्वल टू, इधर सल्फर कितना है, सल्फर 1C केवल सी। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना है, केवल बी इज इक्वल टू, इधर यहाँ है क्या, 2 इंटू सी, 2C
यहाँ नहीं है और यहाँ 2 × E, 2E, 2C+2E हम लोग को हाइड्रोजन हो चुका। उसके बाद नाइट्रोजन कितना है, यहाँ B=, इधर नाइट्रोजन कितना है D, तो B=D। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3 साइड में क्या है B, तो 3B=, ऑक्सीजन इधर 4 × C, 4C प्लस इधर ऑक्सीजन 2 × D, 2D प्लस इधर ऑक्सीजन E। सॉरी तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो थोड़ा सा देखिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। चलिए यहाँ तक हुआ हमारे पास चार केमिकल लीनियर इक्वेशन मिला। अब इन चारों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। चारों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम देखेंगे कौन सा वेरिएबल हमारे पास मैक्सिमम टाइम से, ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ, यानी हमारे पास एक बी का ऑप्शन है, फिर सी हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हमारे पास एक सी का ऑप्शन है और डी केवल दो बार है, ई हमारे पास केवल दो बार, यानी कि बी और सी में से किसी एक का वैल्यू आप सब्सिट्यूट करिए। अगर आप बी का वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं सी, तो बी का वैल्यू अगर आप कौन सब्सिट्यूट करते भी है तो कोई वैल्यू तो हमें यहाँ से मिलेगा नहीं, आप क्या करिए सी का वैल्यू सब्सिट्यूट करिए। सी का वैल्यू जैसे ही सब्सिट्यूट करेंगे हमारे पास ए और सी दोनों वैल्यू हमें मिल जाएगा। आप ए का भी करके देख सकते हैं, सी भी करके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बी और सी में से आप किसी भी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सी को करते हैं। लेट सी इज इक्वल्स टू 1, जैसे ही हमें सी का वैल्यू 1 मिला, इसका वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, हमें ए भी मिल जाएगा 1, ए इज इक्वल्स टू 1, ये दो हम लोग को मिल चुका। अब हमें चलना है आगे। अब देखिए ध्यान से, सी का वैल्यू अगर आप यहाँ रखते भी हैं, बी और ई दो बैठा हुआ है, ए अगर आप यहाँ रखते हैं, अच्छा ए तो कहीं रख भी नहीं सकते हैं आप, तो अब यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं पे आके कभी कभी बच्चे फंसते हैं ऐसे इक्वेशन में, इसीलिए बस यही रीजन है कि मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे शामिल किया हूँ कि इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके यहाँ देखेंगे, क्योंकि सेम टू सेम इसी हिसाब का क्वेश्चन एक कि जिसमें आप जाके फर्दर दो इक्वेशन में फंसेंगे, वैसा प्रैक्टिस के लिए मैं भी एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंटेंशनली बढ़िया से आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। चलिए तो हमें ए और सी दो हो चुका है। चलिए अब ए और सी हमारे पास दो मिल चुका है, आप क्या करेंगे सी और ए इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट करिए, सब्सिट्यूट करके देखिए क्या मिलता है। अगर सी का वैल्यू हम 1 यहाँ रखते हैं, अगर हम सी का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू 2 × 1, 2 + 2E, एक ये मिला। अच्छा जैसे b का वैल्यू हमें 2 + 2E मिला, यही तो हमें d का वैल्यू भी मिलेगा क्योंकि b और d दोनों इक्वल है, तो b का वैल्यू 2 + 2E, देन d ऑल्सो 2 + 2E। अब b और d दोनों 2 + 2E मिला, अब क्या करिए इस b और d इन दोनों को लेकर रख दीजिए लास्ट इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 4 में क्या मिलेगा, b और d दोनों के जगह पे 2 + 2E, b के जगह पे ये रहा 3 और b के जगह पे 2 + 2E इज इक्वल टू 4 और सी के जगह पे क्या लिखना है 1, तो 4 × 1 = 4 प्लस 2, डी के जगह पे 2 + 2E, 2 + 2E और प्लस लास्ट में क्या है E, क्लियर। ये मैं एक बार देख लेता हूँ ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं, लास्ट का E, चलिए आ जा रहा है, कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास काफ़ी जगह है। चलिए इस हिसाब से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके, हमारे पास अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है E, आराम से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, ले लेते हैं 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 2 = 6E इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 2 = 4E प्लस ई। चलिए इधर 6E, इधर E कितना होगा 4E प्लस ई 5E, इधर आके -5E इज इक्वल्स टू 4 + 4 = 8, 8 − 6 = 2, यही होगा। चलिए अब 6E में से 5E, E इज इक्वल्स टू 2, हमें E भी मिल गया 2। जैसे ही हमें E का वैल्यू 2 मिला, आप ये E का वैल्यू 2 रख लीजिए इस इक्वेशन में, जैसे ही E का वैल्यू हमें 2 पुट करेंगे तो D क्या मिल जाएगा, D इज इक्वल्स टू 2 + 2 × E के जगह पे 2, D इज इक्वल्स टू 2 और 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, D का वैल्यू हमें मिल गया 6। अब जैसे D का वैल्यू 6 मिला, आप इस D को रख लीजिए यहाँ पे, तो D का वैल्यू 6 मिलेगा तो B का वैल्यू भी 6 हो जाएगा। अब देखें अगर आप ध्यान से, तो हर एक वैल्यू का, हर एक वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल चुका है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए हर जगह, A के जगह पे B के जगह, अब हमें कोई फ्रैक्शन भी नहीं मिला है, इतना मजेदार है, हमें फ्रैक्शन भी नहीं मिला है कि हमें LCM का टेंशन होगा, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। A के जगह हमें क्या चाहिए 1 लिखना नहीं है, B के जगह हमें क्या चाहिए
सिक्स, तो सिक्स और सी के जगह पे क्या चाहिए वन, लिखना नहीं है। डी के जगह पे सिक्स, तो यहाँ सिक्स। ई के जगह पे टू, ये रहा हम लोग का फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप मिलाना चाहें तो मिला लीजिए, सल्फर यहाँ वन, यहाँ भी सल्फर वन, सल्फर बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ सिक्स, यहाँ हाइड्रोजन टू और टू टू या फोर, फोर और टू सिक्स, इधर भी सिक्स, इधर भी सिक्स, ये भी बैलेंस्ड। अगला नाइट्रोजन, यहाँ कितना है सिक्स, इधर कितना है सिक्स, ये भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है, सिक्स थ्री या एटीन, एटीन ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है फोर, यहाँ ऑक्सीजन सिक्स टू या एट, और यहाँ टू कितना हो रहा है सिक्स, अच्छा सॉरी सिक्स टू या ट्वेल्व, कितना हो रहा है ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन और टू एटीन, इधर भी एटीन, इधर भी एटीन, ये भी बैलेंस्ड। तो हम लोग का ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका। इस तरीके से दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर वन से लेकर इक्वेशन नंबर सिक्स तक हम लोग छह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम लोग कर चुके हैं, किस रूल से, ए बी सी डी से। और आई होप कि ये रूल, ये मेथड, ये ट्रिक आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से मालूम है कि बस कुछ ही दिन में, आज मेरे ख्याल से 12 फरवरी है और 16 फरवरी से सीबीएसई का, और सॉरी 15 फरवरी से सीबीएसई का और 16 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू होने ही वाला है दो तीन दिन में। तो सारे बच्चों को आप ट्राई करिएगा कि अपने फ्रेंड्स के पास इसका लिंक आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि अगर कोई बच्चा इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन महसूस कर रहा हो, थोड़ा भी अगर डाउट इसमें उसको हो, तो क्लियर हो जाए। हम लोग के हेल्प से थोड़ा भी अगर बच्चों को अगर थोड़ा सा हेल्प मिलता है, वी विल फील ग्रेट, क्लियर। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सारा का सारा यहाँ पे हम लोग खुद समझेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कुछ बच्चे अगर इसमें कन्फ्यूजन उनको हो, कोई डाउट हो, उनका भी डाउट क्लियर हो सके, क्लियर है। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और इस अब हम लोग चलते हैं, आप कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। इसके पहले आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ दो तीन, क्लियर। चलिए प्लस एच टू ओ, चलिए ये रहा आपके पास तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, इन्हीं सबके बेस पे है। ऊपर का जो हम लोग का नॉर्मल, जिसमें हम लोग को ए बी सी डी का वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रहा था, इन दोनों में आराम से मिल जाएगा। और जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लोग को दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ा है, जिसमें आगे जाके इक्वेशन फंसा था, मैं पहले ही बोला था कि क्वेश्चन को इस हिसाब से नहीं सॉल्व करेंगे कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे, कि इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है कि हमें आगे दिखता चले कि ए बी सी डी किस वैल्यू को हमें लेना है कि हम लोग को आगे इक्वेशन आराम से सॉल्व हो सके। उसी हिसाब से आपको फर्स्ट सेकंड तो आराम से हो जाएगा, थर्ड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन नंबर सिक्स में जो था, उस तरीके से यहाँ पे भी आपको आगे जाके दो इक्वेशन फंसेंगे, जहाँ पे आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। एक या दो इक्वेशन में से वैल्यू लेके आखिरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा, फिर आपको पुट करना होगा। तो यहाँ से साइमल्टेनियस सॉल्व करिएगा, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स टू यू ऑल।